गाइस वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब, उम्मीद है आप बढ़िया होंगे, मजे में होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर, मैं हूं मुबशिर। सो गाइस, आज की वीडियो एक बहुत ही ज्यादा एक इंटरेस्टिंग वीडियो आने लगी है। तो यार बहुत ही बड़ी एक खबर है और बहुत ही मतलब एक अच्छी खबर है आप लोगों के लिए। तो सीधा पहले टाइटल की तरफ चलते हैं ताकि आपको जो खुशखबरी है वो वाली सुनाई जाए। तो वीडियो का जो टाइटल है वो है इंडिया अचीव अनदर बिग माइलस्टोन बाय सरपासिंग रशिया। तो इंडिया ने एक और बहुत ही बड़ा माइलस्टोन अचीव कर लिया है रशिया को क्रॉस करके फॉरेक्स रिजर्व में। तो मतलब फुल मतलब उनको तरीके से, क्योंकि काफी टफ इनका भाई कंपटीशन चल रहा था, 6.5 बिलियन मतलब हाँ मतलब बहुत करीब थे 1 बिलियन का और फाइनली इंडिया ने, और ये एक वीक के अंदर अंदर हुआ। पहले मतलब एक वीक पहले की बात है, वीक पहले कम से कम इनका 5 बिलियन का भाई कोई फर्क था। अच्छा हाँ, इतना मतलब इतना मुझे पता था दोनों फोर नंबर पे थे, मेरे ख्याल से फोर्थ पे थे। नहीं, 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 मतलब इंडिया फिफ्थ पे था। अच्छा, वो फोर्थ पे एक दो बार इंडिया आगे पीछे हुआ। अच्छा, फिर लेकिन फिर रशिया आगे हो जाता था। अच्छा, अच्छा, तो मतलब 5 बिलियन का एक हफ्ते में मतलब वो क्रॉस करना मतलब थोड़ा मुश्किल होता है, और $5 बिलियन एकदम इंडिया के खजाने में पता नहीं अब कितने ज्यादा हुए हैं। तो पहले वीडियो देखेंगे उसके बाद सही से आइडिया होगा। तो न्यूज टुडे हिंदी का वीडियो ओरिजिनल लिंक आपको उनका मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, इनका चैनल लाजमी सब्सक्राइब करना। तो काउंट डाउन करते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। भारत ने एक बार फिर से इतिहास रचते हुए एक नया रिकॉर्ड सेट कर दिया है, जिसकी खास बात यह है कि अब हमने रशिया को भी पीछे छोड़ दिया है। वैसे जितनी तेजी से भारत में सेकेंड वेव का प्रभाव धीरे धीरे कम हो रहा है और लॉकडाउन देश के सभी राज्यों में अब खुल रहा है, ठीक उतनी तेजी से भारतीय अर्थव्यवस्था ने भी रफ्तार पकड़ ली है और अब रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड टूट रहे हैं। आपको याद होगा कि साल 2021 से 22 में 9.5% का ग्रोथ रेट रहने के साथ साथ पिछले हफ्ते ये खबर सामने आई थी कि भारत के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स ने $600 बिलियन का जादुई आंकड़ा भी पार कर दिया है, जो कि बहुत ही ऐतिहासिक उपलब्धि थी। मगर एक चीज का इंतजार जो हम कर रहे थे वो तब भी पूरा नहीं हो पाया था, जिसके कारण ये खुशी थोड़ी कम रह गई थी, और वो था फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स के मामले में रशिया को एक बड़े मार्जिन से पीछे करना। लेकिन इस बार हम सभी का वो सपना भी पूरा हो गया है और अब हमने रशिया को एक बड़े मार्जिन से पीछे कर दिया है। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुना आपने। जून 11 को खत्म हुए हफ्ते के लिए भारत के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स का डेटा सामने आ चुका है, जिसके मुताबिक भारत ने एक और उपलब्धि हासिल कर दी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत ने इस बार रशिया को भी कई बिलियन डॉलर से पीछे छोड़ दिया है, जिसके बाद फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स के मामले में अब भारत पूरी दुनिया में चौथे नंबर पर आ गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 11 जून को खत्म हुए हफ्ते में भारत के फॉरेक्स रिजर्व्स $605 बिलियन से बढ़कर $608 बिलियन तक पहुंच गए हैं। फॉरेक्स रिजर्व्स में $3 बिलियन का उछाल देखने को मिला है। इसी के साथ ये इतिहास में पहली बार हुआ है जब भारत के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स ने $608 बिलियन का आंकड़ा छुआ हो। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि पाकिस्तान के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स मात्र $16 बिलियन हैं। वहीं रशिया, जिसको हमने इस बार पीछे किया है, उसके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स में बीते हफ्ते $400 मिलियन की भारी गिरावट देखने को मिली, जिसके परिणाम स्वरूप भारत और रशिया के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स के बीच का अंतर बढ़कर अब $4 बिलियन के पार पहुंच गया है, जो कि एक्सपर्ट्स के मुताबिक अब बढ़ता ही जाएगा। साथ में एक्सपर्ट्स का ये भी कहना है भारत के फॉरेक्स रिजर्व्स अगर इसी रफ्तार से आगे बढ़ते रहे तो हम साल 2025 में उससे काफी पहले साल 2024 तक ही $1,000 बिलियन यानी $1 ट्रिलियन के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स के आंकड़े को भी पार कर लेंगे, बशर्ते चाइना के फैलाए कोरोना वायरस कोई नया संकट दोबारा खड़ा न करे। वैसे रशिया को पीछे करना और इतने बड़े आंकड़े को पार करना भारत के लिए बहुत ही गर्व की बात है, क्योंकि एक समय पर साल 1991 में भारत के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स खत्म होने की कगार पर आ गए थे, जिसके बाद हमने डिफॉल्टर घोषित होने से बचाव के लिए IMF और वर्ल्ड बैंक से कर्ज लिया था और अपनी करेंसी को भी डीकन्वर्ट किया था। मगर आज भारत आर्थिक तौर पर इतनी मजबूत स्थिति में है कि अगर हमारे पास भारी सोर्सेज से पैसा ना भी आए तब भी हम अगले 17 से 18 महीने तक अपने सारे के सारे इंपोर्ट बिल बेहद आसानी से चुका सकते हैं, फिर चाहे क्रूड ऑयल के लिए पेमेंट करनी हो या फिर किसी भी युद्ध की स्थिति में भारी देशों से हथियार खरीदने हो या फिर किसी दूसरे देश को लोन ही क्यों न देना पड़े, हम अपने इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे अगर आपके मन में ये सवाल उठ रहा है कि भारत के फॉरेस्ट रिजर्व्स इतनी तेजी से क्यों बढ़ रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि जो बीते एक साल के अंदर अंदर हमारे रिजर्व्स इतनी तेजी से बढ़ रहे हैं उसके कई कारणों में से सबसे मुख्य कारण है विदेशी निवेश यानी FDI और FCA फॉरेन करेंसी एसेट्स का बढ़ना। खैर, वैसे क्या आप देश के फॉरेक्स रिजर्व्स का इतनी तेजी से बढ़ने को मोदी सरकार की उपलब्धि मानते हैं, हाँ या फिर नहीं, नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। जाता है इसमें कोई शक नहीं है, बहुत ज्यादा बड़ा है। इसी के साथ हुई है वीडियो खत्म। और दूसरी बात मुझे सबसे ज्यादा जो अच्छी लगी भाई, कि मतलब 4 बिलियन
कि मतलब खाली लीप मारी है, मतलब 4 बिलियन मतलब, हाँ लीड में है, और 4 बिलियन डॉलर कम में मतलब रशिया हो गया है, मतलब अभी ये बहुत बड़ा मार्जिन हो गया। पहले था 4 बिलियन का, बहुत ज्यादा फर्क हो जाता है। दूसरी बात ये है कि अगर इसी स्पीड से चलता रहा तो रशिया पहुंचना तो क्या बिल्कुल छू भी नहीं सकेगा यार, मतलब। और बोला जा रहा है कि 2023-24 तक 1 ट्रिलियन का फॉरेन रिजर्व, ये फॉरेन रिजर्व मतलब एक पैसा होता है जो बैंकों में, इंडिया के पास मतलब इतना पैसा पड़ा है कि किसी भी टाइम इसको लगा के। और सबसे मजे की बात मुझे शौक वहां पे, वो 2 साल तक 100 मतलब कितने इंडिया की 1.4 बिलियन लोग हैं, मतलब उनको रखा जा सकता है कि मतलब उनके बिल मतलब पे की जा सकते साल हैं। तक उनके जो बिल हैं, ऑयल शॉयल खरीदना है, हथियार खरीदना है, और जो अगर कुछ भी ना हो तो, अगर कुछ भी ना हो, कुछ भी ट्रेड वगैरह कुछ भी ना करे, उसके बावजूद भी ये पैसा लगाया जाए, पैसा मतलब लग सकता है, इतना ये ज्यादा पैसा है। और मतलब उन्होंने ये भी बताया कि एक टाइम था 1991 में कि बिल्कुल मतलब खत्म हो गए थे, फिर IMF से वो मतलब कर्जा लेकर मतलब तो डाला गया था, तो उससे मतलब बचाया गया था, नहीं तो मतलब फुली नया बाहर थी। असल में ये देखो ना, 1991 में अगर बिल्कुल एंड पे थे, तो 1991 के बाद जब इंडिया ने मतलब अपने ट्रैक पे आना स्टार्ट किया, आज देखो किस मुकाम पर है। 1991 के बाद नहीं, 2010 के बाद इंडिया 10 के बाद, हाँ असल स्पीड तो उन्होंने 2014 इस तरह कर लो, 10 के बाद ही पकड़ी है, मतलब हां समझो 10 के बाद ही, लेकिन 14 के बाद तो सही स्पीड पकड़ी है, जिसको सही स्पीड बोलते हैं, बहुत अल्ट्रा लेवल, अल्ट्रा लेवल के। और ये जो फॉरेक्स रिजर्व बढ़ा है, मतलब इन्हीं तकरीबन 5-7 सालों के अंदर, 10 सालों के अंदर अंदर ही बहुत ज्यादा बढ़ा है, मतलब इससे पहले इतना रिजर्व भाई सबसे ज्यादा, जो सबसे ज्यादा रिकॉर्ड टूटे हैं ये एक साल में टूटे, ये एक साल में, हाँ यही एक साल में, मतलब तकरीबन वो बता रहे थे कि 450-350 बिलियन डॉलर बढ़ा है फॉरेक्स रिजर्व। इस बात से अंदाजा तुम लगा लो कि कोरोना के दौरान देखो कितनी दुनिया, कितने देश खराब हुए, कितना कुछ हुआ, लेकिन इंडिया भी खराब हुआ, ये बात नहीं है कि नहीं हुआ अभी इंडिया, लेकिन फिर अपने पांव पे खड़ा हुआ, अभी फिर बूस्ट मारा है, अभी कोरोना खत्म हुआ है, कोरोना में लोगों की इकोनॉमी गिरी है, इनकी बढ़ गई है। नहीं नहीं भाई, तो आपको पता है इंडिया क्यों मतलब जो प्रिडिक्शन हुई थी कि मतलब डबल डिजिट में, वो क्यों नहीं हुई? हमेशा इंडिया मतलब देखिए लीप मारता है, इंडिया को बस चाहिए कि उनका कारोबार चले चले, कारोबार ही जब कोरोना मतलब से बंद होगा, बात तो क्या है ना, वही बात है ना, जब इस दफा भी अगर ये डबल डिजिट में आराम सुकून से जा सकते थे, लेकिन इसकी वजह मेन यही थी कि इस वजह से नहीं जा सकता, कोरोना आ गया, कोरोना की वजह से तुम्हें पता ही है, 2-3-4 महीने कितने मतलब मुश्किल से इंडिया पे गुजरे, किस तरह लोगों पे प्रॉब्लम थी, लेकिन उससे फिर भी निकल आए, कितनी तेजी से और जल्दी निकल आए, और वैक्सीन मेरे ख्याल से अभी तो सारी वो पूरी 70-80% से ज्यादा लोगों को लग चुकी है, अभी तो बहुत ही ज्यादा तेजी से सारा काम चल रहा है, कंप्लीट हो रहा है। सो गाइस, आप इसके बारे में क्या कहते हैं, इंडिया की इस अचीवमेंट पर आपको कैसा फील हो रहा है, कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं। इधर ही वीडियो खत्म करते हैं, अपना बहुत बहुत ज्यादा ख्याल रखना, तो यार बाय।